बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम Human urinary system has different components. What are those components? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके components क्या हैं। Components of human urinary system. First of all, there is a pair of kidneys. Then there is a pair of ureters. Then there is urinary bladder. And finally there is urethra. These are different components of human urinary system. How they are linked with each other, let's see in the diagram. Diagram में देखते हैं कि ये जो components हैं ये आपस में किस तरह से अटैच हैं, तो वो आप यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर kidneys को देखते हैं। पेयर ऑफ किडनीज हमने कहा, तो ये किडनीज का एक पेयर बच्चों ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो किडनीज हैं दे आर सप्लाइड विद रीनल आर्टरीज, डिफरेंट नर्व्स एंड रीनल वेन्स आर लीविंग दीज किडनीज। हाउ इट इज़ ऑब्जर्व्ड, जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें किस तरह से दिखाई देता है, तो बच्चों यहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। कौन से ब्लड वेसल्स यहाँ पर मौजूद हैं? ये वो मेन आर्टरी है जो हार्ट की तरफ से आ रही है। आप जानते हैं हार्ट में से लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा एक बड़ी आर्टरी इमर्ज होती है, तो वो आर्टरी हार्ट के पीछे से बेंड होके नीचे की तरफ आ रही है और उस आर्टरी में से फिर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। तो ये वो आर्टरी है, ये बड़ी आर्टरी है, एओर्टा है, और यहाँ से इस आर्टरी से, इस मेन आर्टरी से यहाँ पे सप्लाई होता है। क्या सप्लाई होता है? रीनल आर्टरी। जाहिर है इसको किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसके ज़रिए से मिलेगा? रीनल आर्टरी के ज़रिए से। इसी तरह से ये जो किडनी है इसको भी ये ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको भी यहाँ से आर्टरी से मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो किडनीज हैं रीनल वेन्स उनमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और वो बाहर की तरफ आती हैं। तो जब उन्होंने बाहर आना है तो जाहिर है किस में आएंगी? एक बड़ी वेन है बच्चों, यहाँ पे एक बड़ी वेन है, और ये वेन जो है ये एक्चुअली ये किसका हिस्सा है? ये वाली वेन जो यहाँ आप देख रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा, जो नीचे से लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसके अंदर दाखिल करते हैं, तो ये उसका हिस्सा है ये वाली वेन। और इसमें से भी ये जो रीनल वेन्स हैं वो एक्चुअली इस किडनीज में से बाहर आती हैं,
डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर रीनल वेन जो है वो आ रही है और इसमें शामिल हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो रीनल वेन है वो इस किडनी में से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ला के इस वेन में दाखिल कर रही है। तो एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा एंड दिस ब्लड वेसल इज एओर्टा। एओर्टा का हिस्सा है, बड़ी आर्टरी है जो नीचे की तरफ आ रही है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ किडनीज हैं इनके ऊपर ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। इनकी जो टॉप है, ये वाला टॉप वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक एक ग्लैंड मौजूद है, पेयर ऑफ ग्लैंड यहाँ पर मौजूद है। और ये कौन सा ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये लेफ्ट किडनी है बच्चों, और ये जो है राइट किडनी है। अब ये जो हमने अभी कंपोनेंट्स की बात की यूरिनरी सिस्टम के, तो हमने कहा पेयर ऑफ किडनीज, और फिर उसके बाद हमने क्या कहा, पेयर ऑफ यूरिटर्स। तो बच्चों ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका किडनी का, दरमियान का हिस्सा है, यहाँ पे एक कैविटी होती है, इस कैविटी को रीनल पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस। किडनीज में जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होता है, और फिर यहाँ से इस रीनल पेल्विस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको यूरेटर कहा जाता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है जिसको यूरेटर कहते हैं। ये जो आर्टरी है, आप जानते हैं जब ये नीचे आती है एब्डोमिनल पार्ट के पास आती है तो यहाँ पे आके बाइफरकेट हो जाती है। इसी तरह से ये जो इन्फीरियर वेना केवा है ये भी किस तरह से बनता है, एक्चुअली यहाँ से दोनों तरफ से, हमारी दोनों लिम्ब्स की तरफ से इलियक वेन्स आती हैं, आपस में मिलती हैं, और आपस में मिलकर ये वाला हिस्सा जो है, यूं समझ लें ये जो इन्फीरियर वेना केवा जो है वो इस तरह से बनती है। अब ये दोनों तरफ से यूरेटर आ रही हैं, और ये यूरेटर आगे कहाँ पे एंड हो रही हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक ब्लैडर टाइप आप कह लें, जिसके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है, जहां पे इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जहां पे ये यूरेटर्स ओपन होती हैं तो वहाँ पे एक रिंग ऑफ मसल मौजूद होता है। ये जो रिंग ऑफ मसल है इसको स्फिंक्टर भी कहा जाता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल हुई है, और वो जो स्पेशल टर्म है वो ज़ाहिर है दोनों के लिए होगी, दोनों तरफ की यूरेटर्स यहाँ पे आके इसके अंदर ओपन हो रही हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसको कहा जाता है यूरिटरल ऑरिफिस, इसको यूरिटरल ऑरिफिस कहा जाता है। और फिर उसके बाद ये जो यूरिनरी ब्लैडर है
ये फिर आगे इसके एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होता है, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा। तो दोनों तरफ की यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में आकर ओपन हो रही हैं। यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरली स्टोर्ड होता है, और फिर यहाँ पे यूरिथ्रा जो कि एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए से ये पास आउट होता है। और ये जो इसका टर्मिनल पार्ट है यूरिथ्रा का, यहाँ भी एक रिंग ऑफ मसल मौजूद होता है, उसको एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस कहा जाता है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस इसको कहा जाता है। तो ये फिर बाहर की तरफ ओपन होता है हमारी बॉडी से, मेल और फीमेल में इसके डिफरेंट जो है ओरिजिन है इसका, पास आउट का डिफरेंट थोड़ा सा मेथड है, और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे जहाँ से ये पास आउट होता है वो स्ट्रक्चर्स भी आपस में डिफरेंट हैं। किडनीज का काम क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ द बेसिक और प्राइमरी पर्पस ऑफ द किडनीज? Kidneys have to filter the wastes from the blood, especially nitrogenous waste को इन्होंने filter करना होता है। ये किसकी मदद से filter करते हैं? इनका इनके पास एक functional unit है, millions of functional unit होते हैं हर एक kidney में, उनको कहा जाता है nephrons। अब जो nephrons हैं ये kidneys हैं, इनका ये काम है कि जो ब्लड है उसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल हैं, सॉल्ट्स हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उनको फिल्टर कर लिया जाए और फिर यूरिन की फॉर्म में उसको पास आउट कर दिया जाए। तो ये रीनल आर्टरी यहाँ पे दाखिल हो रही है, इसके ज़रिए से ब्लड दाखिल होता है किडनीज़ के अंदर, किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन्स हैं और नेफ्रॉन्स जो हैं वो फिर इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड की। अब ये जो किडनीज़ हैं ये इनका जो फंक्शन है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका अंदाज़ा, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि किडनी का जो साइज़ है ये लेस देन 1% ऑफ आवर बॉडी वेट, हमारे बॉडी वेट से इसका जो साइज़ है ये मतलब उसके कंपैरेटिव सिर्फ क्या है 1% है, बट विद ईच कार्डिक बीट इट रिसीव्स 20% ऑफ द टोटल ब्लड सप्लाई। जितनी एक दफ़ा हार्ट बीट होती है, कार्डिक बीट होती है, तो एक दफ़ा जितना ब्लड सप्लाई होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसका 20% एवरी बीट में 20% किडनीज की तरफ आता है। तो यहाँ से इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं वो फिर यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं, यूरिन रीनल पेल्विस में आता है, रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर्स के ज़रिए से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर आगे यूरेथ्रा, और फिर इस तरह से ये पास आउट होता है। तो अब इस ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में जो सबसे अहम जो कंपोनेंट नज़र आ रहा है किडनी और उसके अंदर उसका फंक्शनल यूनिट, जिसको हमने क्या कहा, नेफ्रॉन्स, लिहाजा हम नेफ्रॉन के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द अदर इज़ जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन।
इनके ये दोनों नाम अलग अलग किस वजह से हैं? एक तो ये है कि इनकी जो अरेंजमेंट है किडनी के अंदर वो एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट है, और सेकेंडली इनका जो फंक्शन है बेसिकली तो एक है लेकिन उसमें मजीद सेकेंडरीली थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वजह से इसकी ये दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है कॉर्टिकल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और दूसरा है जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन। अब मैंने आपको बताया कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है विद इन द किडनी, उनकी जो प्लेस है जहाँ पे वो अरेंज है, जिसकी वजह से हमने इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया। मज़ीद आगे चलकर हम देखेंगे कि ये जो नेफ्रॉन्स हैं एक्चुअली किडनी के अंदर ये किस जगह पर मौजूद हैं, और फिर मज़ीद आगे एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए, आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।